अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी और एआईसीसी सचिव अमृता धवन ने कहा कि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप सरकार का बड़ा कदम, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। देश में महंगाई आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में राजस्थान की सरकार ने सोचा और तमाम स्कीम्स भी लेकर आए और अब वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो वहीं धवन ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो सचिन पायलट पर कहा कि पार्टी में लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। की को इंचार्ज एआईसीसी सेक्रेटरी और दिल्ली महिला अध्यक्ष मेरे साथ अमृता धवन बातचीत करने के लिए। राजस्थान में राहत महंगाई कैंप चल रहा है, अभी आपको हाल में ही एक जिम्मेदारी दी गई है, इस तरह के कैंप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहत कैंप जो महंगाई राहत कैंप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई जो है हर पब्लिक के हर व्यक्ति को परेशान कर रही है। हम सब जानते हैं पेट्रोल डीजल का दाम सैकड़ों पार हो चुका है, देश भर में सिलेंडर का दाम 1200 रुपए पार हो चुका है, दूध दही फल सब्जी कोई भी पदार्थ उठा लीजिए आज एक आम व्यक्ति की जेब से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आई है, जो कि जनहित की पॉलिसीज है, जिसमें उन्होंने सिलेंडर के दाम को 500 रुपए किया है, जो कि मैं मानती हूँ एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डिसीजन था। उसके अलावा हेल्थ कार्ड बने हैं, राइट टू हेल्थ हुआ है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस तरीके के कैंप लगाने से देखिए जनता को सुनना बहुत जरूरी है, और इस तरीके के कैंप जब लगेंगे तो जनता की परेशानियां भी सामने आएंगी, उन परेशानियों को कैसे रिजोल्व करना है सरकार उसका प्रयास भी करेगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि लोग कांग्रेस के काम से खुश हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, एक तरफ सचिन पायलट भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार जो है महंगाई राहत कैंप लगा रही है। आपको लगता है कि जो महंगाई राहत कैंप का रिस्पांस आता है, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो बार बार बयान होते हैं, इनसे कहीं ना कहीं एक सरकार की छवि जो है वो जनता के बीच में खराब हो जाएगी? देखिए, सरकार के काम इतने पावरफुल हैं, वो योजनाएं इतनी अच्छी हैं, जब जनता आपको स्टैंप लगा देना जीत की, तो कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। जनता को पता है कि 5 साल कांग्रेस ने काम किया उनके लिए, वो पॉलिसीज बोल रही हैं, वो आंकड़े बोल रहे हैं, जनता को वो सहूलियतें मिली हैं। ठीक है, ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कांग्रेस का ओवरऑल काम पिछले 5 साल में बहुत बेहतर रहा है। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम किया है, जिसका बहुत जल्द नतीजा जो है वोट के पैमाने पर देखा जाएगा, और आने वाले समय में फिर से एक बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं, परंतु जनता जो है वो काम पे भरोसा करती है और काम पे ही कहीं ना कहीं वोट करती है। मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ मैं कनिका सच में धड़क दिल्ली।